सर्पेंट की ताकत को चुनौती देने वाले तुम कौन हो? मैं प्लमर्स का एक ऑफिशियल एजेंट हूँ। तुम बार बार हमसे पंगा क्यों लेते हो? क्योंकि तुम बार बार हमारे रास्ते में आते हो। तो अपना रास्ता बदल दो। Forearms! अब देखता हूँ मुझसे बचकर कहाँ जाते हो। तुम्हें तो एक ही झटके में निगल जाऊंगा। नहीं, बदहजमी हो जाएगी। हम दोनों की ताकत एक जैसी है दोस्त। तुम्हारी गलतफहमी मैं अभी दूर किए देता हूँ। बेन टेनिसन, क्या शानदार लड़ाई थी। आज मैं आपसे और भी इंप्रेस हो गया। मैं ओलिवर हूँ, दुनिया का मशहूर वीडियो गेम प्रोड्यूसर, और मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। बेन टेन, हम आपको आपके ही वीडियो गेम का स्टार बनाना चाहते हैं। क्या बात है। समझते क्या हो? तुम सोच भी नहीं सकते मेरे साथ आज क्या हुआ। मैंने तुम्हें ड्राइविंग सिखाने की कोशिश की और अब तुम मुझे ही बुरा बोल रही हो। तुमसे बुरा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा। मुझ पर नाराज होने की ठान ली है तो ठीक है, कम से कम गाड़ी पर तो रहम करो। तो मैं उस सरपंच से लड़ रहा था, ठीक है, और उसे भगाने के बाद देखो ग्वेन। बस हवा टाइट हो गई तुम्हारी। ये तो बस ट्रेलर था बेन टेनिसन। यति का दिमाग मेरे कब्जे में है। ये यति मेरी, सिर्फ डॉक्टर एनिमो के हाथ की कठपुतली है, और मैं डॉक्टर एनिमो। हेलो, ये मैं क्या लगा रखा है? हम तुम्हारा नाम जानते हैं। मैंने, डॉक्टर एनिमो ने अपना डिवोल्यूशन बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है, और उस धमाके की चपेट में आने वाला हर कोई यति बन जाएगा। उसके बाद दुनिया पर राज करोगे क्या? गलतियां दोहराने का कितना शौक है ना इसे। हाँ, इसका सुधरना तो नामुमकिन है। खामोश, जब इस बर्फीले इलाके के सारे लोग यति बन जाएंगे तब तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन मिस्टर एनिमो, फिर तुमसे गप्पे कौन लड़ाएगा? यति के पापा। गाइस, रेनस्टॉर्म, अब केकड़ा बन गए, बहुत खूब। आहा, अब दो दिमागों की लड़ाई होगी। जरा अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग से छोटा है। पकड़ो उसे। ये थी, वहाँ इस तरह बैठ क्यों गए? हमला करो। नहीं, हमला मुझ पर नहीं, उस पर करना है। रुको, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। हे, तुम्हारी ताकत अब फीकी पड़ चुकी है। तो फिर ये देखो, स्वैम्प फायर। Ah!
बॉटल गिरा दी। मेरा हथियार ज्यादा बड़ा है, मगर इसकी मार तुम्हारी मार से बड़ी है। बहुत पिटाई हो चुकी साथियों, चलो यहाँ से। पर पहले मैं इसे मजा तो चखा दूं। तुम्हें मौका जरूर मिलेगा, वादा रहा। माननी ही पड़ेगी, वो अपने काम में माहिर हो गया है। हम इससे पहले लड़ चुके हैं, पर कब? बेन, तुम्हें याद नहीं तुम जोकर से डरा करते थे? हाँ, कुछ याद नहीं आ रहा। हम तो कई लोगों से लड़ चुके हैं। जोकर से डरता था, याद रखूंगा। पहले चलकर देखते हैं कि डैड। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो खतरे में थे, और मैं कभी उन्हें पता चलने भी नहीं दूंगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, है ना? मुझे ग्वेन को मारने का सुनहरा मौका मिला, पर तुमने टांग अड़ा दी। एलियंस हमारे बीच आ चुके हैं। कौन है ये अजीब जीव जिनमें इतनी बेहिसाब ताकत है? ये कोई फिल्म नहीं, एलियन सच में है। देखकर हैरान हुए ना? इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये सारे जीव एक ही इंसान के अलग अलग रूप हैं। वो इंसान है बेन टेनिसन। तुम्हारी पोल अब खुल चुकी है। कितना अजीब पोज दिया है मैंने। चैनल पर बेन, सुबह शाम तुम चीजों को तबाह करते नजर आ रहे हो। तुम सबकी नजर में आ चुके हो। मेरे सुपर हीरो होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। सुपर सरदर्द। मुझे लगता है शायद फर्क पड़ता है। कुछ दिनों तक बाहर नजर मत आना, जूली के यहाँ चले जाओ। ये ठीक कह रहा है, पर इनसे बचकर निकलोगे कैसे? मिस्टर बेन, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। मिस्टर बेन, प्लीज प्लीज हमें इंटरव्यू लेने दीजिए। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये है हीरो टाइम। ग्वेन, खराश की गोली है, दहाड़ने से गला बैठ गया। तुम्हें अपने अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में से कोई इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं उन्हें डराना चाहता था, खुद को नहीं। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स जूली। मुझे एक घंटे बाद। ठीक है, अब जल्दी से जाकर जो छीनने आए थे वो छीन कर जाएंगे। म्यूजियम पर हमला अभी। इस दरवाजे को हम ऐसे तोड़ेंगे जैसे हम मच्छर को मारते हैं। बिल्कुल सही कहा फॉरएवर नाइट्स, दरवाजा तो ये भी किसी काम का नहीं है। ये तुम्हारी पहली गलती थी, और रात पर वार करने वाला दूसरी गलती करने के लिए बचता नहीं। हेलो बेन, कहाँ हो तुम? जूली का मैच चल रहा है।
पहले जरा मेरी बात सुनो ग्वेन, मैं वहीं आ रहा था जब म्यूजियम की तरफ एक टैंक को आते देखा और मैंने। टैंक का बहाना छोड़ो, इसी वक्त यहाँ पहुँचो। इतना गुस्सा ठीक नहीं। तो हम कहाँ थे? क्या वो पहले से ही टूटा हुआ था?